वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता के कारण झारखंड राज्य के अधिकतर इलाकों में किसानों के सामने आजीविका की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में पोल्ट्री उनकी समस्या का उचित समाधान बनकर उभरा है। यहाँ के 50% से अधिक किसान, खासकर महिलाएं, अपनी परती जमीन पर पोल्ट्री फार्म खोलकर कुक्कुट पालन कर रही हैं। इन दुरुस्त ग्रामीण महिला किसानों को बाजार की प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादन करने के लिए झारखंड महिला स्व सहायक पोल्ट्री सहकारी संघ सामूहिक रूप से जरूरी प्रक्रियाएं और सिस्टम तैयार करता है। मैंने झारखंड पोल्ट्री फेडरेशन, जिसकी तरफ से हमें एक गैप पता चला, इसमें कि वहाँ पे लाइटिंग के लिए पावर कट होता था, इसके वजह से उनका 24 घंटा जो लाइटिंग जरूरत है उनके ग्रोथ के लिए, चिकन ग्रोथ के लिए, वो नहीं अवेलेबल था। सुदूरवर्ती इलाकों में रह रही इन महिला किसानों द्वारा मुख्य रूप से ब्रायलर प्रजाति के कुक्कुटों का पालन किया जाता है, जिनके समुचित विकास के लिए अबाध्य प्रकाश व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक होता है। अगर पहला सप्ताह में लाइट नहीं देंगे, जो चूजे होता है, चूजे का वजन नहीं बढ़ते, मुर्गी का ग्रोथ में काफी परिवर्तन है। जैसे 2 किलो मुर्गी उत्पादन होने में पहले करीब करीब 35 दिन लगता था, और जिसमें से FCR बोलता है, फीड कन्वर्शन रेशियो, मोटा मोटी 1.65 था। जैसे हम लोग सोलार में जब एडिक्वेट उन लोग को लाइट और ताप मिल रहा है, तब हम लोग देखे कि कर मोटा मोटी एक दिन पहले 34 दिन में 2 किलो होना शुरू हो गया, और जो FCR है, FCR भी 1.62 से लेकर 1.62, तो मोटा मोटी 0.03 FCR कम हो गया, और ये ब्रॉयलर पालन के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ग्रिड से आने वाली बिजली पर ही निर्भर इन किसानों को लोड शेडिंग, आकस्मिक गड़बड़ी और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटा का बिजली रहता है, और हम लोग जो करते हैं ब्रॉयलर पालन और लेयर पालन, ये दोनों में बिजली लाइट का काफी वैल्यूएडेड है। ब्रॉयलर में होता है कि पहला 7 दिन आपको एडिक्वेट आपको लाइट देना पड़ेगा। अबाध्य प्रकाश व्यवस्था न होने की परिस्थिति में एक किसान एक साल में 400 से 500 कुक्कुट प्रति बैच वाले 4 बैच ही निकाल पाता है, जबकि अनुकूल परिस्थिति होने पर यह संख्या 6 बैच प्रतिवर्ष की होती है। पोल्ट्री लाइटिंग के पावर कट की वजह से क्या होता है कि ये जो चिकन होते हैं वो दाना नहीं खाती हैं, अगर अंधेरा रहेगा तो दाना नहीं खाएंगे, तो उनको लाइटिंग चाहिए, लाइट देख के उनको लगता है कि सुबह है, और वो फिर दाना ज़्यादा खाती हैं, जिसके वजह से उनका जो ग्रोथ है वो जल्दी होता है। ऐसी परिस्थिति में पोल्ट्री फार्मों में सौर ऊर्जा चलित प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने से किसानों की इस समस्या का ठोस समाधान संभव है। इस कार्य के लिए JWSPFL ने सेल्को फाउंडेशन के साथ मिलकर JWSPFL द्वारा चिन्हित गुमला जिले की 1000 महिला किसानों के समूह गुमला कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इन किसानों के पोल्ट्री फार्म में प्रतिवर्ष 200 वर्ग फीट पर 5 वाट के सोलर चलित बल्ब की व्यवस्था की गई है। हम लोग का इतना बड़ा सेट में सोलर लाइट लगाने के लिए पैसा नहीं था, तो सेल्को कंपनी से हम लोग का दादा लोग सहयोग दिए, और कुछ पैसा हम लोग महिला मंडल से लेके लगाए हैं। सौर ऊर्जा चलित प्रकाश व्यवस्था को स्थापित करने का पूरा खर्च 15,000 रुपये है। किसानों को यह राशि NBFC या अन्य बैंकों से लोन, सेल्को फाउंडेशन और सतत ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा अनुदान और उत्पाद लाभांश के रूप में प्रदत्त किया जा रहा है। इस व्यवस्था के उपयोग से कुक्कुट पालक किसानों को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग से अपना पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहेगा।